हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपने आईटी टूल्स की पढ़ाई की होगी या कर रहे होंगे तो आपने यूनिकोड और आस्काई कोड के बारे में जरूर सुना होगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं सूरज हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में हम यूनिकोड और यूनिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिकोड और यूनिक कैरेक्टर क्या है ये अभी आपको पता लगेगा। फिलहाल अभी यहां पर देख सकते हैं 65, 66, 67 ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब ये यूनिक कोड है, इसके लिए यूनिक कैरेक्टर हमें पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे? तो इज इक्वल टू यूनिकैर फॉर्मूला आप यूज कीजिए। यूनिकैर जैसे यूज करेंगे, ये देखिए ये यूनिकैर आ गया। अब हमको क्या करना है, यहां से पहला जो ये 65 लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर आपको आंसर दिखाई पड़ रहा है, कैपिटल ए होता है इसका, ठीक है, कैरेक्टर। अब यहां से सजेस्टेड ऑटोफिल पे क्लिक करूंगा तो ये सब आपको दिखाई पड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसे मैं बोल्ड कर देता हूं, ये देख सकते हैं आप। तो यहां पे ये इस तरह से आया हुआ है। अब इसे वापस से इसी फॉर्मेट में लेके आना हो तो क्या करेंगे? अगर हमें वापस से इसे इसी फॉर्मेट में लेके आना है तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे यूनिकोड फॉर्मूला। तो यहां पर मैंने यूनिकोड इस्तेमाल किया, ये देखिए ये यूनिकोड फॉर्मूला है और पहले वाले ऑप्शन को बस आपको क्लिक करना है। यहां पर ये कन्वर्ट किया था मैंने, तो इसी ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर 65 आप देख सकते हैं आ चुका है। अब यहां पे ड्रैग करते हुए नीचे चले जाइए, सेम रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नीचे यहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो नीचे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कि क्या स्मॉल लेटर्स के लिए भी कोड है क्या? तो आपने पढ़ाई होगा तो स्मॉल लेटर्स के लिए भी होता है कोड, तो उसे भी दिखा देता हूं। सबसे पहले तो इसे बोल्ड कर लेता हूं, यहां पे मैंने कन्वर्ट भी कर रखा है, फिलहाल यहां पे करता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यूनिकैर लगाऊंगा, यूनिकैर। तो ये यूनिकैर लगा रहा हूं, तो ये यूनिकैर लगा दिया हमने। अब यहां पे देख सकते हैं 97 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही 97 सेलेक्ट करेंगे आपको ऊपर दिखाई पड़ जाएगा ए बी सी, स्मॉल ए बी सी डी दिखाई पड़ जाएगा और यहां पर ये कन्वर्ट होकर आ चुका है, आप इसे देख भी सकते हैं। इसे मैं एक डिफरेंट कलर में कर देता हूं, देखने में आपको आसानी होगी। तो ये देख लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ हमने ये कन्वर्ट कर लिया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इजिली कन्वर्ट कर पाएंगे गूगल शीट में, तो आसानी के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी को अगर वापस से कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो यहां तो हमने लगाया था यूनिकैर, अब इसी को आप लगा दीजिए यूनिकोड। तो यहां पर लिखिए यूनिक और कोड, तो ये यूनिकोड फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। लिख दिया यूनिकोड, और यूनिक कोड लिखने के बाद क्या करना है आपको, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अब इसको क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर दीजिए। सजेस्टेड ऑटोफिल नीचे आ रहा है, यहां पर आपको ऑटोफिल होता हुआ भी दिख जाएगा। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, आप चाहे तो यूज करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।